दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। ठीक, आज हम समास पे चर्चा करेंगे। समास, ठीक ना, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, हर वनडे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम समास को एक बहुत ही साधारण सी ट्रिक में आपको समझाएंगे। दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट है। हम दोस्तों ये थोड़ा सा समास बड़ा होने के कारण हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट है। नेक्स्ट अगले दिन हम इसे अपने प्लेलिस्ट में दूसरा पार्ट देंगे। तो चाहे आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में भी ओपन कर सकते हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। आज ये हमारा पहला पार्ट है। तो सबसे पहले बात आती है समास कहते किसे हैं, ठीक ना। तो समास दो या दो से, दोस्तों दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक, समास कहते हैं। देखिए दोस्तों ये दे रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक ना। समास, समास की परिभाषा आप देख चुके हैं। ठीक, अब इसमें बात आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें आता है कि समस्त पद क्या होते हैं और पूर्व पद क्या होते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे उत्तर पद क्या होते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समस्त पद की। बात आती है समस्त, समस्त पद। ठीक, समस्त पद किसे कहते हैं, समास करने से, देखिए समास करने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है समस्त पद कहलाता। ठीक, देखिए समस्त पद कैसे किसे कहते हैं, समास करने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक, अब अगली टॉपिक हमारी है पूर्व पद। ठीक, पूर्व पद किसे कहते हैं। ठीक, तो पूर्व पद समस्त पद में समस्त पद में पहला पद पूर्व पद होता है। ठीक, देखिए पूर्व पद समस्त पद में पहला पद पूर्व पद होता है। ठीक, अब दूसरा हमारा है समास विग्रह। ठीक, हमारा समस्त पद हो गया, पूर्व पद हो गया, फिर उसके बाद इसके बाद होता है पूर्व उत्तर, सॉरी उत्तर पद। ठीक, उत्तर पद। ठीक, समस्त पद का ये देखिए हमारा पहला पद था, अब समस्त पद का दूसरा पद समस्त पद का
दूसरा पद उत्तर पद होता है, समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद होता है। अब बात आती है समास विग्रह, ठीक, इसे हम साफ कर रहे हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, ठीक, समास विग्रह लिखिए, समास विग्रह, ठीक, समस्त पद का, समस्त पद का विस्तृत रूप समास विग्रह है, इसी का दूसरा रूप या फैला हुआ, ठीक, समास विग्रह। समस्त पद का विस्तृत रूप, समस्त पद का विस्तृत रूप समास विग्रह है, या इसी को हम दूसरा लिख सकते हैं फैला हुआ रूप, ठीक, फैला फैला हुआ रूप, ठीक, या इसी को हम और लिख सकते हैं खुला हुआ, हालांकि सबका मतलब एक ही है, खुला खुला हुआ। आप इसमें से कुछ भी लिखिए, समास विग्रह, चाहे आप समस्त पद का विस्तृत रूप लिखिए, चाहे फैला हुआ रूप लिखिए, चाहे खुला हुआ रूप लिखिए, सबका मतलब एक ही आता है, ठीक। अब इसमें फिर बात आती है कि समस्त पद, जैसे ये हमने समास विग्रह कर दिया, ठीक, अब इसमें बात आती है कि समास समस्त पद, ठीक ना, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, राज कुमार, ठीक, ये हमारा राजकुमार हुआ, तो इसका समास विग्रह होगा राजा का कुमार, ठीक, इसका समास विग्रह राजा का कुमार हुआ। इसमें देखिए, अब हमने अभी पूर्व पद और उत्तर पद की चर्चा आपसे किया है, तो हम इसमें बता रहे हैं पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। देखिए, इसमें राज लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कुमार लिखा हुआ है, ठीक, आप देख रहे हैं पहले राज लिखा हुआ है, उसके बाद कुमार लिखा हुआ है, तो ये राज जो है, ये राज हमारा पूर्व पद है, ठीक, पूर्व पद है, उसके बाद कुमार जो है हमारा उत्तर पद है, राज हमारा उत्तर पद है, और बाकी ये जो ऊपर सब राजकुमार लिखा हुआ है, राजकुमार हमारा समस्त पद है, ठीक, हमने अभी समस्त पद का भी चर्चा किया, तो ये हमारा राजकुमार हमारा समस्त पद है, राज इसमें पूर्व पद है और कुमार इसमें उत्तर पद है, और ये समास विग्रह है, ठीक, ये हमारा फाइनल हुआ। उसके बाद अब बात आती है कि समास के भेद कितने होते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम समास के भेद में कंफ्यूज होते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, आपको याद करने में बड़ी ही कठिनाई होती है, ठीक, तो आज उस कठिनाई को हम दूर करेंगे। समास के भेद, इसमें एक बहुत ही हमारी शानदार जो है ट्रिक है, और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले हम समास के भेद पे चर्चा करते हैं। समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं, ठीक, समास के मुख्यतः मुख्यतः छह भेद होते हैं। अभी हम ट्रिक पे अपने बाद में आते हैं, पहले आप देखिए इसी तरह। तो इसमें हमारा पहला है, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अव्ययी भाव समास, ठीक, अव्ययी भाव
समास। ठीक, ये हमारा पहला समास है। फिर दूसरा हमारा है, अब दूसरा देखिए, दूसरा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष दूसरा, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक, अब तीसरा हमारा है द्वंद्व समास। तीसरा हमारा है द्वंद्व समास। ठीक, तीसरा हमारा द्वंद्व समास है। और चौथा, चौथा हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक, ये चार हुआ हमारा। अब पांचवा हमारा है, पांचवा है कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। ठीक, पांचवा हमारा कर्मधारय समास है। और छठवां देगु समास है। ठीक, देगु, देगु समास है। ठीक दोस्तों, हमारे समास छह प्रकार के होते हैं। छह प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है। पहला है अव्ययी भाव समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठवां देगु समास। तो इसे याद करने में बड़े ही कठिनाई होते हैं। तो हम आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं। जो हमारी ट्रिक है दोस्तों, तो इसे साफ करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये ट्रिक हमारी है, आप देखेंगे एकदम बिल्कुल देसी भाषा में है। उम्मीद है कि आपको हंसी भी आएगी सुन के। देखिए ट्रिक है, यहाँ आप ट्रिक लिख देते हैं। ठीक, ट्रिक हमारी है, अब तक दादा छवे समास। ठीक, अब देखिए, अब तक दादा छवे समास। दोस्तों हमने आपसे पहले भी चर्चा किया कि समास हमारे छह प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमारे इससे क्या बन रहा है, इससे क्या बन रहा है। देखिए अब तक दादा छवे समास, ठीक, इतना हमारा, ये हमारी ट्रिक है। ठीक, तो अ से हमारा हुआ अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी, अव्ययी भाव हुआ। ठीक, अब ये ब से हमारा हुआ बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक, अब त से हमारा है तत्पुरुष, त से हमारा तत्पुरुष हुआ। ठीक, अब क से हमारा हुआ कर्मधारय, कर्म धारय। ठीक, कर्मधारय हुआ। और द से इसमें देखिए दो द है, तो चाहे आप दीर्घ लिखिए चाहे द्वंद्व लिखिए, दोनों बात एक ही है। तो हम इसमें लिख रहे हैं दीर्घ समास लिख रहे हैं। ठीक, दीर्घ समास, दीर्घ समास हुआ। अब लास्ट हम लिख रहे हैं द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक, ये हमारी ट्रिक रही। तो एक बार फिर से इसे देखिए, ये ट्रिक हमारी है समास याद करने की। अब तक दादा छवे समास। ठीक, तो अ से हमारा हुआ अव्ययी भाव, ब से हमारा हुआ, ब से बहुव्रीहि हुआ, और त से तत्पुरुष हुआ, क से कर्मधारय हुआ, द से देखिए द्विगु समास हमने लिखा, और फिर द से द्वंद्व समास लिखा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे जो है, आगे आगे का हमारा विषय है। अब एक एक मतलब
कहाँ गया हमारा अव्ययी भाव। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास पर। ठीक, अब इसके भेद को हम मिटा रहे हैं। अव्ययी भाव समास भी अब हम चर्चा करेंगे, जो कि इसे हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में ले जाना चाहेंगे अव्ययी भाव समास को। ठीक, पहले हेडिंग डालिए अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा क्या होती है? पूर्व पद, ठीक, पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ठीक, फिर अगला, प्रथम पद अव्यय की तरह काम करता है। ये देखिए हम बता रहे हैं इसके पर, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, प्रथम पद अव्यय की तरह काम करता है। ठीक, प्रथम पद अव्यय की तरह काम करता है, या पहला पद अव्ययवाची होता है, या पहला पद अव्यय वाची होता है। ठीक, देखिए ये तो रही हमारी परिभाषा, लेकिन इससे बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसे पहचानेंगे कैसे? पहचानने में दोस्तों समास को बड़ी ही दिक्कत होती है, तो इसे हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है। यहाँ हेडिंग डालिए पहचान। ठीक, पहचान, आप पहचान कर कैसे करेंगे? किसी भी शब्द में, जैसे कोई भी शब्द शुरू होता है, तो किसी भी शब्द के शुरुआत में अनु, ठीक, अनु हुआ, बीच में कॉमा लगाते जाइएगा, अनु हुआ या अ हुआ, ठीक, अ प्रति, ठीक, हर हर प्र, ठीक, यथा यथा भर इत्यादि शब्दाएं, इत्यादि मतलब बहुत से शब्द आते हैं, तो लगभग हमें लगता है कि इतने में पर्याप्त है। जब भी कभी पूछता है तो इसी में से पूछ लेता है। अगर ये शब्द जितने हमने आपको बताया, ये शब्द किसी भी कहीं भी यदि अगर शब्द के पहले आ जाते हैं, तो आप बेझिझक एकदम अव्ययी भाव समास मार दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक, तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके उदाहरण अभी देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक ना, ये भी ऐसे छोड़े रहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों, देखिए पहला है, ठीक, आमरण, आमरण, ठीक, आमरण, देखिए आया ना, अभी हमने चर्चा पहले भी चर्चा किया कि यदि किसी भी शब्द में ये जितने भी शब्द हमने लिखा है, इसमें से कोई भी शब्द पहले आ जाए, तो वहाँ अव्ययी भाव समास तो होगा। ठीक, देखिए आमरण, इसका समास विग्रह हम करेंगे तो मरने तक, ठीक, मरने तक, ठीक, ये मरने तक हुआ। अब दूसरा हमारा है, दूसरा है भर पेट, भर पेट। ठीक, अब फिर भर पेट का समास विग्रह करेंगे। देखिए हमने अभी चर्चा किया, इसमें से देखिए भर आ गया यहाँ पर, ठीक, भर पेट, पेट भर कर, पेट भर कर, ठीक।
आया कि नहीं, देख रहे हैं आप, भर यहाँ ही है, भर यहाँ भी है, ठीक, पेट भर कर। फिर आगे हमारा है प्रतिदिन, ठीक, प्रति दिन, देखिए प्रति आया कि नहीं, यहाँ भी भर, यहाँ भी सॉरी यहाँ आ हुआ, ठीक, आ गया कि नहीं। प्रतिदिन में हमारा होगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ठीक, आप देख रहे हैं ये समास विग्रह है, ये समास है, ठीक। फिर आगे यथागति, ठीक, यथा गति, चौथा है यथा गति, नहीं सॉरी यथा मति है, ठीक, यथा मति, ठीक, यथा मति के अनुसार, इसका समास, यथा मति का समास विग्रह होगा मति, मति के अनुसार, ठीक, मति के अनुसार। फिर अगला हमारा है प्रत्यक्ष, ठीक, ये ऐसे भी छोड़े हैं प्रत्यक्ष, देखिए यथा यहाँ भी आया, यथा है कि नहीं, यथा यहाँ है, देख सकते हैं आप, ठीक। यहाँ हमने प्र की बात किया, यहाँ देखिए प्र, यहाँ हमने लिखा है प्रत्यक्ष, ठीक, आँख के सामने, यहाँ इसका समास विग्रह होगा आँख के सामने, आप देख सकते हैं प्र यहाँ भी है, यथा यहाँ भी है, प्रति है, भर है, अ है, आप देखिए प्र भी है, यथा भी है, भर भी है, प्रति भी है, अ भी है, ठीक। जितने भी शब्द हमने बताया आपको, सब पे हमने एग्जाम्पल दिया है, ये आपके सामने है। फिर अच्छा, इसके बाद कुछ आते हैं ऐसे शब्द, इसे हम साफ कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसकी आवृत्ति भी होती है, जैसे शब्दों की आवृत्ति से भी अव्ययी भाव समास होता है, तो उसके भी हम एग्जाम्पल्स देंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी होता है, शब्दों की आवृत्ति, हेडिंग डालिए शब्दों की आवृत्ति से बने शब्द, ठीक, शब्दों की आवृत्ति से बने शब्द, आप देख सकते हैं अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, रातों रात, रातों रात, ठीक, रातों रात, इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में, ठीक, रात ही रात में, ठीक, रात ही रात में, इसका समास विग्रह हुआ रात ही रात में। फिर आगे हमारा है साफ साफ, साफ साफ साफ, ठीक दोस्तों, साफ साफ, जैसे हमने रातों रात बताया रात ही रात में, इसका संधि विच्छेद होगा, सॉरी संधि विच्छेद की बात कर नहीं, तो समास विग्रह होगा रात ही रात में, ठीक, अब ये साफ साफ है, ठीक, तो साफ साफ का हमारा समास विग्रह होगा बिल्कुल साफ, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल साफ, ठीक। फिर अगला हमारा है दर दर, दर दर दर, ठीक, दर दर। फिर यहाँ इसका हमारा समास विग्रह होगा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक एक दरवाजे, दरवाजे से दूसरे दरवाजे, ठीक, ये हमारा हुआ दर दर का समास विग्रह, ये हुआ। फिर आगे हमारा है घर घर, ठीक, घर 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 घर, ये हमारा, ठीक, हर एक घर, हर एक, हर एक घर, जो कि ये हमारा समास विग्रह हुआ।
अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये हमारा अव्ययी भाव समास यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। ये आवृत्ति वाले शब्द हैं, देखिए शब्द में आवृत्ति हुई है, रातों रात देखिए, साफ साफ देखिए, दर दर देखिए, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक। घर दर दर देखिए, फिर घर घर देखिए, शब्द में आवृत्ति हुई है, ठीक। अब इसके बाद हमारा अगला आता है तत्पुरुष समास। अब इसी यहीं पर हमारा सॉरी यहीं पर हमारा अव्ययी भाव समास खत्म होता है, उसके बाद आता है तत्पुरुष समास, ठीक। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास की, ठीक। तत्पुरुष समास दोस्तों, तत्पुरुष समास बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड, ठीक। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, ठीक, समास, ठीक ना, तत्पुरुष समास। इस समास का अर्थ होता है दोस्तों, इस समास का अर्थ होता है उस पुरुष का, देखिए इसका अर्थ होता है, आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में करिएगा, उस पुरुष का, ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करिएगा। और इसमें फिर बात आती है, एक तरफ लिखिए पूर्व पद, ठीक, पूर्व, एक तरफ पूर्व पद, इसके बाद आप ये पूर्व पद हमारा सहायक होता है, ठीक, सहायक होता है, ठीक। और उसके बाद उत्तर पद, ठीक, ये उत्तर पद जो है हमारा प्रधान होता है, ठीक। देखिए तत्पुरुष समास का मतलब होता है, तत्पुरुष का अर्थ होता है उस पुरुष का, आप इसे डबल इनवर्टेड कॉमा करिएगा। फिर उसके बाद पूर्व पद हुआ, पूर्व पद हमारा सहायक होता है, उत्तर पद हुआ, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक दोस्तों। ये हमारा सहायक है, पूर्व पद सहायक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। अब इसमें बात आती है, इसमें पूर्व पद जो है गौड़, पूर्व पद गौड़, और देखिए फिर हम यही लिख रहे हैं, और उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है दोस्तों। आप कारक चिन्ह हम अगले लेक्चर में बताएंगे, कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक। कारक चिन्ह का पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक, प्रधान होता है, कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास में होता है, ठीक। अब बात आती है कैसे होता है दोस्तों, कारक चिन्ह का लोप कैसे होता है, तो मन में ये जानने की उत्सुकता जरूर होती होगी कि कैसे होता है कारक चिन्ह का लोप। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे होता है, ठीक। इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक, पहला एग्जाम्पल है पुरुषोत्तम, क्या है पुरुषोत्तम, ठीक, पुरुषोत्तम दोस्तों। इसका पुरुषोत्तम, ये इसका समास विग्रह हमारा होगा पुरुषों में, पुरुषों में उत्तम, ठीक, पुरुषों में उत्तम। अब हमने आपसे कहा कि कारक चिन्ह का लोप होता है, तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो पुरुषों में उत्तम, देखिए इसमें कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह तो यही है हमारा, ठीक, कारक चिन्ह कौन सा है, कारक चिन्ह तो मे है ना। तो फिर अगला हमारा है राजा, राज, राजपुत्र, ठीक, राजपुत्र, ठीक, राजपुत्र हमारा है,
तो इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। अब फिर आपके दिमाग में इच्छा होती होगी कि कैसे, देखिए इसमें हमारा कारक चिन्ह क्या है, क है, ठीक। तो इसमें का जब हम इसे बोलेंगे तो का इसमें थोड़ी ना बोलेंगे, जब इसका समास विग्रह करेंगे तब ना का आएगा, ठीक। तो रात इसके इसमें का लोप हो जा रहा है। फिर अगला एग्जाम्पल हमारा है पाप मुक्त, ठीक, पाप मुक्त, ठीक, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ठीक। इसका समास विग्रह होगा पाप से मुक्त। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप इससे इम्पोर्टेंट करिएगा, ठीक। ये पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, पाप से मुक्त, ठीक। इसमें देखिए से का लोप हो रहा है, ठीक। तो फिर हमारा अगला एग्जाम्पल है राजकुमार, ठीक, राजकुमार, ठीक, राजा का कुमार, राजा का कुमार, देखिए राजा का कुमार राजकुमार हुआ, राजा का कुमार, इसमें का लोप हो रहा है, का लोप हो गया, ठीक। अब हम आगे चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के भेद जो हैं, ठीक। तत्पुरुष समास के कई भेद भी होते हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद में चर्चा करेंगे। अभी तत्पुरुष समास के भेद में जब हम चर्चा करेंगे तो ये जो हम बता रहे हैं कारक चिन्ह का लोप होता है, तो उसमें उसके भेद में कारक चिन्ह जो ये हैं सब आएंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं तत्पुरुष समास के भेद में, ठीक। तत्पुरुष समास के भेद ये हुआ हमारा, ठीक, तत्पुरुष समास के भेद, जिसमें पहला हमारा है तत्पुरुष समास के भेद में पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसमें जो कारक चिन्ह का लोप हो रहा था, तो देखिए इसमें किस इसका चिन्ह है को, ठीक, कर्म तत्पुरुष समास हुआ। आप इसे डबल इन्वर्टेड काम हम करिए, को का लोप यहाँ लिख दीजिए, को का लोप, ठीक। फिर अगला हमारा है दूसरा है, दूसरा हमारा है करण, करण तत्पुरुष समास, ठीक, करण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह है से के द्वारा, से के द्वारा, ठीक। इसे भी डबल इन्वर्टेड काम हम करिएगा, कालोप, कालो, ठीक। अगला हमारा है तीसरा है संप्रदान, संप्रदान, ठीक, संप्रदान हुआ हमारा, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक ना। संप्रदान तत्पुरुष समास में हमारा के लिए कारक का लोप होता है, के लिए, ठीक, के लिए कारक का लोप, के लिए कारक का लोप, ठीक ना। अब हमारा चौथा, ठीक, अब हमारा चौथा है, चौथा हमारा है, सॉरी आप इसे वर्तनी सुधार में करिएगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, संप्रदान, ठीक ना, देखिए संप्रदान अब जाके सही हुआ। चौथा हमारा है अपादान, अपादान, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक ना। अपादान तत्पुरुष समास में इसका चिन्ह होता है से,
इसमें से का लोप होता है, से कारक का, से कारक का लोप। ठीक, से कारक का लोप होता है। अब चौथा हमारा पांचवा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अपादान में से कारक का लोप होता है। अब पांचवा हमारा है संबंध। ठीक, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, संबंध तत्पुरुष समास में हमारा होता है, संबंध में हमारा होता है दोस्तों का के, देखिए संबंध का को के कारक का लोप होता है। ठीक ना, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा करिएगा, कारक का लोप होता है। ठीक ना, अगला हमारा है पांचवा। अब लास्ट हमारा है अधिकरण, छठवां अधिकरण, अधिकरण हमारा है। तो अधिकरण का चिन्ह है मे पर, अधिकरण तत्पुरुष समास मे पर, मे पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, मे पर कारक का लोप होता है। ठीक, आप इसे एक बार फिर से देखिए। पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह है को, इसमें तत्पुरुष समास में को का लोप होता है। ठीक ना, अब दूसरा हमारा है, दूसरा करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास में से, पहला से है दूसरा के द्वारा, ये दोनों का लोप होता है करण तत्पुरुष समास में। ठीक, अब ये हमारा है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए कारक का लोप होता है। ठीक, और चौथा हमारा है अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास में से कारक का लोप होता है। ठीक, अब पांचवा हमारा है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में ये का है, को है, के है, ये कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक, अब अधिकरण हमारा है, अधिकरण में पर का कारक चिन्ह, इसका लोप होता है। तो दोस्तों ये रही हमारी जो है। ठीक, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आप जवाब दीजिएगा तो हमें जान के अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से। तो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारा क्वेश्चन तत्पुरुष समास पर ही रहेगा। तो तत्पुरुष समास में जो हमने अभी आपको भेद बताया है उस भेद पे रहेगा। ठीक ना, पहला हमारा है श्रवण मुक्त, पहला हमारा है श्रवण मुक्त, श्रवण मुक्त ये हमारा क्वेश्चन है, श्रवण मुक्त में कौन सा समास है। ठीक, श्रवण मुक्त में कौन सा समास है। तो हमारा ऑप्शन है ए वा ए अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा हमारा है बी वाला करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक, अब सी हमारा है, सी है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। और डी हमारा है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक ना, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो। अगला क्वेश्चन हमारा है जलमग्न, जलमग्न, जलमग्न में
सा समास है? ठीक, ऑप्शन है ए जलमग्न में, ऑप्शन है संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, बी हमारा है करण, करण तत्पुरुष समास। ठीक, सी हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों ये तसा हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब तत्पुरुष, इसका मतलब समास। ठीक, आप समझ जाइएगा। डी हमारा है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ये इस दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो हमें जान की बड़ी खुशी होगी। दोस्तों यदि अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। हमने दो क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।